दोस्तों स्वागत है आपका सीरीज की। देखिए लगभग हमने 6 वीडियोस आपको दे दी थी और आज ये फाइनल वीडियो है। हमने आपको न्यूमेरिकल सारे बना के दे दिए, फिजिक्स के पूरी फिजिक्स पढ़ा दी हमने, ठीक है सर। आज की इस वीडियो के खत्म होने के बाद हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि आप 100 में से 100 नंबर का पेपर करके आओगे। हम एक मॉडल हमने देखा था, ठीक है, उसमें पूरा दे रखा था इलाहाबाद मंगल प्रकाशन करके सर, ठीक था, तो हमने उनका यूज किया है कंटेंट, तो हम बताए भी दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ये कंटेंट है, इसे आप पूरा देखिए, एक एक करके फुल एनालिसिस हम करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन, 4 वाले लॉन्ग क्वेश्चन, लगभग सब कुछ कवर है। पीडीएफ इसकी हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए, ठीक है। देखो भाई, आज जब हम ये वीडियो पब्लिक कर रहे हैं लगभग 6 तारीख के आसपास, अभी भी 10 दिन है आपके पास, ऐसी ही एक बायोलॉजी की वीडियो अभी पब्लिक हो जाएगी, हिंदी की पूरी एक डिटेल वीडियो आ रही है और केमिस्ट्री की बी डिकेडेंट 12th पर आ जाएगी। 10 दिन के अंदर अपने आप को काबिल समझो और मन लगा के सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट भी बनाई उतनी पीडीएफ है, बस एक एक करके देखते जाओ क्या क्या आपने कर लिया है, क्या क्या आपने छोड़ दिया। 2 प्लेलिस्ट हम आराम से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक पुरानी प्लेलिस्ट है एक नई प्लेलिस्ट है, दोनों में हमने लगभग पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा रखी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं उनका सब कुछ कंप्लीट होगा, बस फटाफट जो छूटा है उसे देख डालिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी वही फार्मूला होता है n बराबर, आपने पढ़ रखा है, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और बटे में साइन a बाय 2। इस तरीके से पूरा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाता है, अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म के पदों में, तो यही वाला फार्मूला जो है डायरेक्ट लिखना है भाई, ठीक है। यहां पर प्रूव रूम नहीं करना, छोटा क्वेश्चन है। या फिर किसी पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, n बराबर क्या होता है, इस तरीके से डेल्टा m बराबर n माइनस का 1 इंटू a, वही डेरिवेशन जो हमने आपको प्रिज्म वाला करा रखा है उसी में आगे कंडीशन होती है पतले प्रिज्म के लिए। तो ये दोनों यानी कुल मिला के शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं भाई, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। और जो बच्चे अब आखिरी में बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं, टॉपर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या करें, वो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के साथ में भगा के देखें और देखते चलें कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो उन्हें नहीं आता है, वहीं पे गोला करें और नीचे कमेंट कर दें, उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छा है। भाई देखो, अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्यों अच्छा है यार, दूरदर्शी का काम क्या, दूर का दिखाना, तो ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बना देगा, ज्यादा अच्छा दिखा देगा, वो ज्यादा बेहतरीन होगा सर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन। उसके बाद यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्राप्त होती है, संपूर्ण प्रयोग को अगर जल में रख दें तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, यहां आंसर भी लिखा हुआ है, कम हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है भाई। उसके बाद डेविएशन और जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, ये वाला, किसी धातु के कार्य फलन यानी ये क्या दे रखा है, W का मान दे रखा है, देहली आवृत्ति क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, न्यू जीरो पूछ रहा है, गणना कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर H न्यू जीरो, W बराबर H न्यू जीरो, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा सर, ठीक है। मान रख देंगे आप ईवी को बदलते हैं कैसे, बताओ 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 से गुणा कर देते हैं, जूल में कन्वर्ट हो जाता है भैया, ठीक है। उसके बाद नाभिकीय बल क्या होता है, वह बल जो नाभिक के मूल कणों को आपस में बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। ठोसों में कौन कौन से बैंड होते हैं, सबको पता है लाइक कौन कौन से बैंड होते हैं, चालन बैंड, ठीक है, चालन बैंड होता है, दूसरा कौन सा होता है, संयोजी बैंड होता है, दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है तो वो कुचालक हो जाता है, कम होता है अर्धचालक होता है, और बिल्कुल गैप नहीं होता तो वो सुचालक हो जाता है, सब कुछ हमने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिर्फ नामांकित प्रतीक चिन्ह बनाना है तो चिन्ह आप बना देंगे, या किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा, सबको पता है सी बराबर क्यू अपान बी होता है, यानी आवेश और वोल्टेज के अनुपात को धारिता कहते हैं, मात्रक क्या कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या उसी को हम लोग फैराड भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं भाई तो इस बात की गारंटी है आप 100 में 100 का पेपर कर दोगे, और नहीं आ रहे हैं तो अभी 10 दिन है, साथ में जुड़ जाओ, पीडीएफ सारे नोट सब कुछ टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जाके सर्च करिए बी डिकेडेंट 12, ठीक है भाई। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन, इनमें सब कुछ है, न्यूमेरिकल्स भी है, सब कुछ है भाई। देखिए हम ऑफलाइन वालों के लिए जुगाड़ करते ही, तो क्यों ना फिर हमने कहा एक बार जोर लगा लें और ऑनलाइन वालों तक भी ये चीजें पहुंच जाए सारी, ठीक है भाई। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो भी दिक्कत करे आप कमेंट करिए सर, ठीक है। बल्कि आने वाले टाइम में हम आपको एक
पर्सनल हमने नंबर दे रखे हैं लोगों को, एप्लीकेशन है BDKDN एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर पे है, वहां पे चैट सपोर्ट है, डेली हम 10-12-15 रिप्लाई कर ही देते हैं जो ऊपर आ जाते हैं, तो अगर दिक्कत हो रही है तो चैट सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए BDKDN, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी अपने एक्सपीरियंस से बताते चलते हैं, एक बूंद जिसका द्रव्यमान है इतना लेकिन ये ग्राम में है, माइनस के 3 लगा के भाई से किलोग्राम में बदल लेना, ये एम का मान दे रखा है, याद रखो, ठीक है भाई। तथा जिस पर आवेश, आवेश मतलब क्या है, क्यू का मान दे रखा है, प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में है, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, विभवांतर आपको ज्ञात करना है, बात खत्म हो गई, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है संधारित्र की, अगर बीच में परावैद्युत पदार्थ भरे तो उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे। C समानुपाती होता है कि C बराबर A के एप्सिलॉन 0.D होता है, C का मान K के समानुपाती होता है, इस वजह से जो है धारिता बढ़ाने पर बढ़ जाती है, बात खत्म है। 5 किलोवाट तो P का मान, लेकिन आप किलोवाट को काहे में बदल लेंगे, वाट में, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 5000 वाट हो गया। समय है 15 मिनट, लेकिन मिनट की 60 से गुणा करेंगे तो T का मान सेकंड में बना लेंगे, कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा क्या होती है, यार W होती है बेसिकली, तो P बराबर W/T रख देना, P का मान ये है, T का मान ये, जो भी आ जाएगा वो W यानी ऊर्जा होगी और काहे में होगी, जूल में होगी भाई, ठीक है। उसके बाद किसी सेल के विद्युत भाग बल और उसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या अंतर होता है, तो दोनों के बीच में अंतर लिखना है, ई और वी के बीच में आप कह सकते हो, परिभाषा लिख देनी है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो। उसके बाद किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख करो, तो बायो सेवर्ट का नियम आपने सुन रखा, बताइए क्या होता, डेल्टा बी बराबर μ0/4πI∆L sin θ/r2, महान रिवीजन है भाई, आराम से आप देख सकते हो। उसके बाद है 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा, यही सवाल हमने लगवाया हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दे रखे हैं, 12 एम्पियर से 7 एम्पियर हो जाती है, कितना विद्युत भाग बल प्रेरित होगा, ई का मान, डायरेक्ट सवाल हमने लगवाया हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, लेंज का नियम लिखिए, बता चुके हैं हम आपको, जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, ये लेंज का नियम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो एक धारा उत्पन्न हो जाती है, धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, बस सारी चीजें भाई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक पढ़ा चुके हैं भैया, ई बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है, यानी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, बात खत्म हो गई यार, बस इतना सही तो है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ रहा होगा, और ब्रह्मास्त्र है भाई ये वीडियो, ये याद रखना, ये सिंगल वीडियो है जो 100 में 100 दिलाएगी आपको, याद रखिएगा। उसके बाद स्वा प्रेरण क्या है, स्वा प्रेरण क्या होता, पढ़ा चुके हैं आपको भैया, एक सिंगल कुंडली उसी में काय से लिखते हैं स्वा प्रेरक को, एल से लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, N φ/I, ये देखो बहुत आसान है, तो सारी चीज, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर में आ जाता है, स्वा प्रेरण क्या होता है या स्वा प्रेरकत्व क्या होता है, ठीक है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा इतनी, ये बिल्कुल भाई सेम सवाल है, ठीक है, इसमें अन्योन प्रेरण गुणांक पूछ लिया, लगवाया हुआ है हमने आपको। विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके 4 विशेष गुण, दर्शन कोण क्या होता है, दर्शन कोण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख और वस्तु के बीच जो कोण बनता है उसे दर्शन कोण कहते हैं, बात खत्म हो गई भाई, ठीक है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए, ठीक है। शर्तें क्या होती हैं, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो यार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा भाई, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, यानी वही जो इसका इसकी जो इसका डेरिवेशन है प्रॉपर नीचे वाला, वो पूरा प्रूव करके आपको लिख देना है, ठीक है। अथवा क्या, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए शर्तें बताइए, तो शर्तें भी व्यतिकरण की खूब सारी पूछ ली जाती हैं भैया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, जिनके कलांतर सेम होते हैं, कला संबद्ध स्रोत होते हैं, विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बताओ, तो विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे नुकीले किनारे पर पड़ता है तो अपने आप मुड़ जाता है, इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण क्या होता है, जब 2 तरंगें एक साथ चलती हैं तो या तो एक दूसरे का विनाश कर देती है, अरे यार 2 आदमी संग संग चलेंगे, देखा होगा आदमी कहता है किसी उनकी बीवी यार उन्हें बड़ी अच्छी मिल गई, उनकी जिंदगी मजे में है, और कोई कहते हैं उनकी बीवी ने उनका नाश कर दिया, इसका मतलब क्या, जब 2 आदमी संग में चलेंगे तो या तो एक दूसरे को वो उठा ले जाएंगे, तो उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, पोषण कर दिया, और या वो एक दूसरे का विनाश कर देंगे, गौआ भाषा में कहते हैं नाश कर दिया, तो नाश कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। 2 कंडीशनें होती है सब कुछ, ये हम आपको शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं, बाकी ये सब करा रखा है, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और सारे नोट्स टेलीग्राम पे है, बस मन लगा के पढ़ डालो भाई।
ये देखो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बताओ, जब प्रकाश किसी किस पे धातु की सतह पर गिरता है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, बस यही तो कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कार्य फलन क्या होता है, कम से कम वो ऊर्जा जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं आएंगे, उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, कार्य फलन कहलाता है, बात खत्म हो गई। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में दहली आवृत्ति क्या होती है, वो आवृत्ति जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आएंगे दहली आवृत्ति कहलाती है। बंधन ऊर्जा फिर से आ गई, बंधन ऊर्जा क्या होती है, जो नाभिक के मूल कणों को आपस में बांधे रखती है बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हो बताओ, विखंडन पता है हमने पढ़ रखा 92 यूरेनियम 235 जब टूटता है तो किसमें, बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, यानी जब कोई बड़ा और भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इस पर कितना, एक न्यूट्रॉन इसमें हम लोग डालते थे और 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, इस तरीके से लगातार एक श्रृंखला बनती रहती है जिसे हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते थे। ठीक है भाई, और गेट और एंड गेट की सत्यता सारणी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉट गेट और गेट नॉट गेट एंड गेट तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए हमने ऑफलाइन में सब कराया हुआ, ऑनलाइन में कुछ छूट जाए प्लेलिस्ट में ना मिले कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, 2 से 3 दिन के अंदर सब ले आएंगे भाई, इवेंट वगैरह हम लोगों का सब निपट गया, ऑफलाइन बैच बंद हो गए, सारी चीजें हो गई, अब टोटली हम लोग यूट्यूब पे ही आ चुके हैं, आप जो आपको दिक्कत हो रही है आप कॉमेंट करिए, हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए 3 नंबर में किस तरीके क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो हमने आपको इंपॉर्टेंट दे रखा है, ये देखिए ई का मान इतना है एस का मान इतना है, ई का मान इतना एस का मान इतना है, फ्लक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, विद्युत इसमें क्या करता है, ई डॉट एस कर देते हैं भाई, आई वाले की आई से जे वाले की जे से, 10^40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा और विमा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बी क्या बताइए, विभव क्या होता है, बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू जीरो, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभव कहते थे, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता भैया, आप घर से निकलते हो रास्ते में फटकिया मिलती है, फटकिया क्या करती है आपके रास्ते को रोक देती है, तो ऐसा प्रतिरोध जो धारा को रोक देता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। किन बातों पर निर्भर करता है, कार पर निर्भर करता है, सर जी कार क्या है, सी माने कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, आर माने दूरी के समानुपाती होता है, और बीच में एरिया क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और सांद्रता और दूरी के समानुपाती होता है। ये सेम सवाल है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, ठीक है भाई, इसे दुगनी तक खींचा जाता है, इसका शायद आंसर भी 32 आ रहा था, हम लोगों को याद होगा, जो बच्चे सीरीज देख रहे थे वो बताएं नीचे कमेंट करके। किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा टर्मिनल वोल्टता इतनी हो जाती है, विद्युत भाग बल आंतरिक प्रतिरोध निकालो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या दे रखा है आई, ये क्या दे रखा है बी, ठीक है, बाकी विद्युत भाग बल ई पूछ रहा है, साथ में आर पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे, ई बराबर बी प्लस आई आर फॉर्मूला होता है, और भी 2-4 फॉर्मूले हैं उनसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा सेम ऐसा ही एक और सवाल है, एक सेल के प्लेटों के बीच वोल्टेज है इतना, इतने प्रतिरोध जोड़ने पर वोल्टेज हो जाता है इतना, इतने प्रतिरोध में बहने वाली धारा बताइए, इस तरीके का सवाल आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप आराम से देख लें, और जो भी दिक्कत करे वो नीचे कॉमेंट करके बता दें। ठीक है भाई, समतल वृत्ताकार कुंडली है, 100 फेरे हैं, एन का मान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 3, कुंडली में 2 एम्पियर की धारा, आई का मान दे रखा है, अच्छी स्थिति वाला फॉर्मूला लगा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल आएगा। ठीक है भाई, अच्छी स्थिति विद्युत वाली नहीं लगाएंगे भाई, चुंबक वाली लगाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण, सेम यही सवाल हमने आपको लगवाया हुआ अपनी सीरीज में, ठीक है, जो हमने 3 पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, वो यही सवाल है। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि दो ही इंपॉर्टेंट, एक सीधे तार के लिए एक वृत्ताकार के लिए, देखो दे रखा है। ठीक है भाई, उसके बाद एक और हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि एम्पियर की परिभाषा मोस्ट वांटेड है, 2 समांतर तारों के लिए लेवा गया, 2 समांतर धारावाही तारों के लिए मोस्ट वांटेड है, टाऊ बराबर NIBA ब्रह्मास्त्र आपको करा रखा है, चल कुंडली धारा मापी लॉन्ग में, ये सब लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, फैराडे के नियम बताइए, बिल्कुल आसान है, अन्योन प्रेरण से क्या समझते हैं, ई बराबर ½ B ω L² मोस्ट वांटेड है। ठीक है भाई, ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांति कोण की जगह के N = 1/sin C, बिल्कुल आसान है सिद्ध करना आपको, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र बताइए, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र बताइए, या फिर अवतल पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने इसे एन से प्रूव किया है, N/B - 1/U = N - 1/R, ये वाला है सर। ठीक है, इस तरीके की चीजें, 2 लेंस हैं तो बनाने के कुल फोकस दूरी बताओ, क्षमता दे रखी है, P = 1/F से F1 निकल आएगा, P = 1/F से F2 निकल आएगा, फिर 1/F = 1/F1 + 1/F2 से टोटल F निकल आएगा भाई।
न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या है, प्रिज्म के अपवर्तना, वही प्रिज्म वाला एक ही डेरिवेशन है, वही आपको कर देना है भाई, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और व्यतिकरण यंग का प्रयोग और फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई के साथ साथ केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई, दोनों डेरिवेशन हमने आपको कराए हुए हैं, फ्रिंज चौड़ाई भी और केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। यहां देखिए एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको करा रखा है, बिल्कुल सरल है, क्यू बराबर एनी से लगेगा। समविभव पृष्ठ आपको बता रखा है, जिसके ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पे विभव सेम होगा समविभव पृष्ठ कहलाता है। भंजक विभवांतर क्या है, कराया हुआ है, परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर सब कराया हुआ है। लॉरेंस बल क्या होता है, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता है। गतिशील आवेश में कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय और विद्युत दोनों उत्पन्न होते हैं, ठीक है। धारा मापी को अमीटर या वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो श्रेणी या समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं भैया, ठीक है। एम्पियर की परिभाषा वही अपना दो तारों वाला डेरिवेशन है, बिल्कुल आसान है। नति या दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, नमन कोण टेन थीटा बराबर बी अपान एच होता, करा रखा आपको। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई जीरो दे रखा है, आई आर एम एस आपसे पूछ रहा है, आई आर एम एस बराबर होता है आई जीरो अपान रूट टू, आई जीरो अपान रूट टू रखोगे रूट टू कट जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बहुत सारी तरंगें हमने आपको करा रखी हैं, उसमें रेडियो तरंग है, गामा तरंग है, ठीक है, अल्फा तरंगें हैं, एक्स किरणें हैं, उन सबको बढ़ते हुए क्रम में रख देना है। सबसे ज्यादा किसकी होती, रेडियो की होती, सबसे कम किसकी होती, गामा की होती, बात खत्म है भाई, कितना आसान है। देखिए इस तरीके के विद्युत चुंबकीय तरंग किन भौतिक राशियों का दोलन होता है, किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ऐसे। लेंस प्रकाश के अपवर्तन के न्यूटन का सूत्र लिखिए, एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश आपको प्रूफ करा रखा, सारी चीजें कराई हुई है भाई। भू चुंबकत्व के अवयव क्या होते हैं, नति या नमन कोण क्या होता है, इस तरीके का सवाल भी हमने आपको लगवाया हुआ है, टेन थीटा बराबर बी अपान एच। अन्योन प्रेरण गुणांक देखिए बार बार आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। धारावाही पैनलिका के स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में से एक आ ही जाएगा पेपर में। विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, एक ट्रांसफार्मर वाला सवाल है, इसमें एनएस अपान एनपी बराबर बीएस अपान बीपी, इस तरीके का फॉर्मूला लग के टोटल चीजें हो जाती हैं। मैक्सवेल का सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके गुण, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भाग और तरंग दर, यानी वही सारी चीजें लिखनी है, रेडियो तरंगे क्या है, गामा तरंगे क्या है। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और हम आपसे कहेंगे परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन की व्याख्या भी पढ़नी है, ठीक है भाई। केंद्रीय उच्चस्थ की कोणीय चौड़ाई हमने आपको करा रखा है, थीटा बराबर निकालना होता है, ये देखिए अपवर्तन की व्याख्या आ गया, ठीक है। गतिमान आवेश डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य संवेग निकालो, लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है, उसमें से जो एच होता है वो प्लैंक नियतांक होता है, मान रख देते 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, क्वांटम के आइंस्टीन का समीकरण सिद्ध करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों एक ही क्वेश्चन है। द्रव्य तरंगे क्या है, अल्फा कणों का प्रयोग, रदरफोर्ड अल्फा कणों का प्रयोग, बोहर का परमाणु मॉडल हो गया, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या है, जब नाभिक मिल जाते हैं तो संलयन कहलाता है। समभारिक समस्थानिक क्या होता है, एक उदाहरण देना है। समन्यूट्रॉनिक भी साथ में, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, दो हमने आपको चक्कर कराए हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और कार्बन कार्बन चक्र, वो दोनों में से आपको कोई भी एक लिख देना है। हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा एमईवी में ज्ञात करिए, ठीक वही है सर, ठीक है। चित्र में लॉजिक परिपथ दिखाया गया कि यह परिपथ किसकी तरह कार्य कर रहा है, आप नाभिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके में सिलेबस में बेसिक वाले हैं, एंड गेट और गेट नॉट गेट तीन ही केवल, ठीक है। यहां भी देखिए और गेट एंड गेट नॉट गेट ये नहीं पढ़ेंगे, नैंड नॉर कोई दिक्कत नहीं है। पीएन संधि डायोड हमेशा आपको पढ़ना है, अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में और अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। और आखिरी में अगर हम लोग देखें तो स्थिर गॉस की प्रमेय का उल्लेख, इसकी सहायता से अनंत विस्तार का समतल चादर, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, घुमाने में किया गया कार्य, श्रेणी क्रम में C1 C2 C3, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति, किरचा वीट स्टोन सेतु, पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, और बायो सेवर्ट का नियम इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के लिए। साथ ही साथ आप गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति और सीधे तार के लिए डेरिवेशन भी पढ़ लें। जब आप इतना सब कर लेंगे, ये देखिए ब्रह्मास्त्र भैया जी, ब्रह्मास्त्र मोस्ट वांटेड, इसके सारे सवाल भी मोस्ट वांटेड हैं। जब ये सारे के सारे आप कर लें तो एक बार, जो हमने पूरी प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट बता रखा है, एक वीडियो होगी जिसमें हमने बताया होगा इतने पूरे चैप्टर से सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है, इन चैप्टर से उन्हें देख लें। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट कायदे से देखते हैं उसके, या देख चुके हैं उसके बाद इन सभी की कायदे से प्रैक्टिस करते हैं, इस बात की गारंटी है
आप 70 में 70 का पेपर करके आओगे भाई। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, रिसर्च करिए, पूरा पूरा दिन इस समय पढ़ाई करने के लिए है। अभी हम आपके लिए हिंदी की वीडियोस के बाद पब्लिक करने वाले हैं, बायोलॉजी की पब्लिक करेंगे, इंग्लिश की वीडियोस लेके आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। केमिस्ट्री की वीडियो बी डिकेड इन 12th पे आएगी। इन सब झंझटों से बचने के लिए सिर्फ टेलीग्राम पे जाइए, बी डिकेड इन 12th सर्च कर लीजिए, सारी वीडियोस के लिंक वहीं पे शेयर होते रहेंगे। दोस्त आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन 3 ही जाते हैं, तो दिक्कत ना हो जाए, आपको पता लगा नोटिफिकेशन ही ना पहुंच पाए, तो टेलीग्राम पे जैसे ही कोई भी वीडियो आएगी शेयर कर दी जाएगी, आपको नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जल्द से जल्द अभी या फिर कल सुबह तक ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।